आज हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में सबसे पहले सुनो। लाइन एंड एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले आती है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सबसे पहले क्या आती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या मतलब होता है? कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, कुछ भी ना है तो पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछ सकते, ठीक है? बी फ्रेंड, जैसे मान लो ये एक लाइन है ए बी, नेहल दिख तो रहा है ना तुमको? पक्का? ठीक है, दीज आर द टू लाइन्स, ये क्या हो रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? इंटरसेक्ट करती, इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। ये टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कि ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल है, ये वाला एक एंगल। अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4, तो व्हेन एवर टू लाइन इंटरसेक्ट, तो कौन से एंगल की बात होती है? वर्टिकली। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो इसके अंदर वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं? इसके अंदर ये एक एंगल 1 और एक एंगल 2 दिख रहा है तुमको, सो कैन आई राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये एंगल 1 30 डिग्री है, एंगल 2 कितना हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी चीज आती है पैरेलल लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन? सारा चैप्टर इसी के ऊपर है। क्लास 9th जो लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन दिस पैरेलल लाइन कांसेप्ट। पैरेलल लाइन कांसेप्ट के अंदर आपको काफी सारे एंगल्स पता चलेंगे, कैसे-कैसे इक्वल होते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए, समझे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पैरेलल लाइन? कैन यू आंसर व्हाट इज द पैरेलल लाइन? वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, फर्स्ट केस में क्या स्ट्रेट तो होंगी लाइन है, बट दे विल नेवर मीट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? नाम ही इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसका मतलब किसी न किसी पॉइंट पर कट रही है। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? विच नेवर इंटरसेक्ट। अगर मैं कोई दो लाइन बनाऊँ इस तरीके से, इफ आई ड्रॉ टू लाइन्स लाइक दिस ए बी सी डी, सो ए बी एंड सी डी आर माई टू पैरेलल लाइन्स। सो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, आर यू फाइन विद दैट? एक बार लिखो फटाफट सब चीज़ जरूर। इतना समझ में आ गया पैरेलल लाइंस? तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पैरेलल लाइंस में क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी तुमको वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज बताया कि वो इंटरसेक्टिंग में काम आता है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि पैरेलल लाइंस के अंदर कौन कौन से एंगल्स की हम लोग बात करते हैं। तो मेरा तुम ध्यान से सुनना, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट। ओके, सो अगर मैं दो पैरेलल लाइंस बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस ए बी सी डी, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है। इतना समझ में आ रहा है? पहले ध्यान से सुनो सब लोग। ओके, लिखना बाद में लिख लेना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके बाद में सुना सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सब लोग अटेंशन दें। तो सबसे पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो मेरा ई एफ है वो क्या है? मेरा इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन। ये बात समझ में आ रही है? EF is my transversal line. अब इसके अंदर मैं कुछ angles mark करता हूँ। सबसे पहले angle 1, 2, 3 and 4 मैंने इस तरीके से mark करा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ corresponding angles की। What do you mean by corresponding angles? What do you mean by corresponding angles? अगर मैं इस चीज की बात करता हूँ तो what do you mean by corresponding angles? तो ध्यान से सुनना। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक फ्यू एंगल्स लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तुम लोगों को भी याद होगा यू गाइस लिसन दिस। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्या हो सकता है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ये दो तीन तरीके की बातें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे? कैसे आप पहचानोगे कि एंगल 1 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स? दिस इज माय ट्रिक, व्हाट आई हैव डेवलप्ड इज लाइक, देखो ये ए बी है, इसके ऊपर एक एंगल है, उस एंगल का नाम क्या है?
और नीचे जो एंगल है उसका नाम क्या है 2। ये एक पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है 3 और इसके नीचे वाले का नाम क्या है 4। तो जो दोनों पैरेलल लाइन के जो ऊपर ऊपर बैठे हैं वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, वो आपस में सेम होंगे ना। जो ऊपर बैठा है पहले लाइन के जो ऊपर बैठा है नीचे वाली लाइन के बराबर ही होगा, ऊपर 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 सेम, नीचे नीचे सेम, तो उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग मेंबर्स। तो 1 = 3। दूसरा पेयर तुम बताओ। 2 = 4। वाह वेरी गुड, तो सही है, एंगल 2 = एंगल 4। वेरी गुड नियर। सो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इफ, देखो एग्जाम में पूछेगा ये 30 डिग्री है तो मुझे सारे एंगल्स बताओ। अगर ये 30 डिग्री देगा तुमको तो तुम क्या कह सकते हो, देयरफॉर एंगल 3 इज 30 डिग्री। व्हाई? रीजन लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 का मैं तुमको वापस समझाऊंगा। ये क्या लीनियर पेयर बना रहा है, ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर। इस पॉइंट पे एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो आई कैन राइट, थोड़ा सा क्लोज करना इस क्वेश्चन को, एंगल 2 + 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मेरा समझ में आ रहा है? So now I think you are clear with this corresponding angle. So now we are going to discuss about the alternate interior angles. This is another one of the most important concept with respect to the parallel lines. So now we are going to discuss alternate interior angles. So parallel lines of children with I think. Okay. So now we are discussing alternate interior angles. मान लो ये दो parallel line, ये दो parallel line हैं। अब अगर ये दो line parallel हैं, तो बीच की line को क्या बोलते हैं निकल? Transversal? इसको क्या बोलते हैं transversal? जो एक line दो parallel line को काटती है, उसको transversal line बोलते हैं। अब इधर ध्यान से सुनना। ये ट्रांसवर्सल का एक इस साइड और एक दूसरे साइड लेना पड़ेगा। ये अगर 1 है, सारे ले लो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में बात करी थी कि 1, 3 इक्वल होंगे, 2, 4 इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ ध्यान से सुनो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस चीज को क्या होते हैं, एंगल 2 = एंगल 5 या फिर एंगल 3 = एंगल 6। तो अब आपको कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है, ध्यान से सुनो। ये वाला जो एक तो अंदर वाले हैं, ये एंगल्स अंदर होते हैं, क्या होते हैं ये अंदर होते हैं, तो ये 1 और 4 बाहर है। एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है, बाहर है, ये कभी भी ऑल्टरनेट नहीं बना पाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वही एंगल्स बनाएंगे जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में है। एक साइड में 2 है और अगर यहाँ चले जाए नीचे की तरफ तो ये 5 है, ये होते हैं ऑल्टरनेट। तो मैं ये जो डार्क सर्कल्स कर रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, और ये जो कट ऐसे कर रहा हूँ ये हो गए तुम्हारे दो पेयर्स जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो एंगल 2 = एंगल 5 एंड एंगल 3 = एंगल 6। सो इफ आई आस्क यू एंगल 2 is 30 degree, एंगल 5 कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा नेहल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल 6? व्हाट इज एंगल 6? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 6 मुझे बताओ। एंगल 6 + 30 डिग्री = 180। वाओ वेरी गुड, यस दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, और ये तुमको दिख रहा है पूरा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल कितना है 180। सो कैन आई राइट एंगल 2 + एंगल 6 = 180, so angle 6 is another 180 minus 30 degree, that means it is 150, and क्योंकि angle 6 और angle 3 alternate interior angles हैं, तो इसका आंसर भी 150 होगा। अब अगर previous angle की बात करें, तो नेहा एक ध्यान से सुनना बात, अगर मैं transversal line का भी नाम दे देता हूँ EF, तो क्या मैं बोल सकता हूँ EF और CD intersecting line है, EF and CD are इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस को काट रही है, नहीं काट रही इस पॉइंट पर, तो क्या तुमको वर्टिकल के अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं यहां पर, क्या कौन सा है 6 और 1 6 के अपोजिट, इसके अपोजिट कौन दिख रहा है तुमको 1।
So angle 1 is equal to angle 6 vertically opposite angles. इसी तरीके से इसमें कोई दिख रहा है? कौन? 5 4 4. Angle 5 and angle 4. Very good. Angle 5 is equal to angle 4 vertically opposite angles. So we have learnt about this alternate interior angles, corresponding angles, vertically opposite angles, and now in few minutes we are going to learn about the co-interior angles. ठीक है? तो ये समझ में आ गया alternate interior angles. So now the last concept about this parallel line is co-interior angles. Okay? So now let us see what is this co-interior angles. With the same diagram, I am changing the heading co-interior angles. This is one of the most important topic of this chapter. बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक कॉन्सेप्ट में बनते हैं, मेनी क्वेश्चंस. इसको थोड़ा सा क्लोजअप पे कवर करना है. ठीक है, अब इधर देखो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल हैं दोनों के बीच में? एक साइड में टू और थ्री है ना, तो ये एंगल टू प्लस एंगल थ्री भी कितना होता है? 180 डिग्री. हमने लीनियर पेयर तो पढ़ा ही था कि 2 प्लस 6 180 होगा, 1 प्लस 2 180 होगा, 2 प्लस 3 भी 180 होता है. दिस इज कॉल्ड को इंटीरियर. और एक और बन रहा है कौन सा बताओ? 5 प्लस 6. एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180. कवर करो उसको ढंग से. एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर नोन एज कोइंटीरियर एंगल्स. अच्छा, और लीनियर पेयर की अगर हम बात करें तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर के किसी में से जोड़ देते हैं तब होगा वो तुम्हारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to angle 5 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 4 is equal to angle 6 plus angle 2 all are equal to 180 degree. So this is called linear. ये जो आपस में जुड़े हुए हैं एक ही पॉइंट पर, ये तो लीनियर पेयर्स हैं, पर कोइंटीरियर एंगल क्या है? 2 and 3. I think more clear with this co-interior angles. So now the next module we are going to solve few questions on this concept. This module meant for this concept, so go through properly, jot down all the concepts, and we'll meet soon in the next video.